नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20T वर्सेस Infinix Zero 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y20T में 6.47 इंच जबकि Zero 5G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y20T में 3 इंच जबकि Zero 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y20T में 0.33 इंच जबकि Zero 5G में 0.34 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि 20T से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y20T में 192 ग्राम्स जबकि Zero 5G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 20T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y20T में 20:9 जबकि Zero 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y20T में 6.51 इंचेस जबकि Zero 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y20T में 720x1600 और Zero 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y20T में 81.57% जबकि Zero 5G में 84.71% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y20T में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Zero 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20T में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Zero 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y20T में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Zero 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y20T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Zero 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y20T में Adreno 610 जबकि Zero 5G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y20T में Qualcomm Snapdragon 662 और Zero 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Y20T में 6GB जबकि Zero 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y20T में 64GB जबकि Zero 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y20T में अप टू 1TB जबकि Zero 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y20T 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Zero 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Vivo Y20T में चार फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Zero 5G की तो उसमें सात फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Zero 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Zero 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Micromax Note 1 है, तीसरा Realme Nazo 30 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।